हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज लेके आया हूँ फार्मलाइट 84 के नए अपडेट को लेकर। और इस वीडियो में मैं आपको वो भी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको बाकी जगहों से पता नहीं चली होगी, जैसे कि अपडेट की डेट और एक कैरेक्टर जो कि नर्फ होने वाला है अपकमिंग अपडेट्स में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब से रेगुलर इस चैनल पे फार्मलाइट 84 से रिलेटेड सारी न्यूज और टिप्स एंड ट्रिक्स और गेम प्ले वीडियोस आती रहेगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कि ऑप्शन फार्मलाइट के 14.3 अपडेट में आने वाला है वो है गोल टू एडीएस का। जो प्लेयर्स पबजी को पहले खेलते थे उनको पता होगा कि उसमें एक ऑप्शन होता था गोल टू एडीएस का। अब ये क्या करता है, जैसे फार्मलाइट में ये ऑप्शन नहीं है तो क्या होता है, फाइट के बीच में अगर आपने स्कोप के बटन गलती से क्लिक कर दिया क्लोज रेंज में तो आपका स्कोप खुल जाएगा, तो आपको दोबारा स्कोप पे क्लिक करना पड़ेगा उस स्कोप को बंद करने के लिए। वो ऑब्वियसली बात है, वो मरेगा ही, अगर स्कोप खुल गया उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगी। तो इसी को देखते हुए बहुत लोगों ने डिस्कॉर्ड में जो फार्मलाइट के डेवलपर है उनको ये सजेशन दिया था कि आप होल्ड टू एडीएस लाएं, तो इसलिए वो नेक्स्ट अपडेट में ये होल्ड टू एडीएस का ऑप्शन ला रहे हैं ताकि गेम प्ले थोड़ा इम्प्रूव हो। दूसरा ऑप्शन जो कि आने वाला है वो है इमोट्स का। अब देखो बहुत लोगों को इमोट्स पसंद है, तो इसी चक्कर में इतने सारे लोगों ने डिस्कॉर्ड में जाकर फार्मलाइट के जो डेवलपर है उनको ये सजेशन दिया कि आप इमोट्स लाओ। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी इमोट्स ला रहे हैं वो ऑडियंस के पास सुनकर। अब नेक्स्ट चीज जो कि फार्मलाइट के 14.3 के अपडेट में चेंज होने वाली है वो है क्लाइंट साइज। अब बहुत लोगों ने डिस्कॉर्ड में जाके फार्मलाइट के डेवलपर को ये बोला है कि 4 लोग हैं जो क्लैन के अंदर है वो सिर्फ टूर्नामेंट पार्ट ले पाएंगे। अगर कोई उनमें से एक बंदा अगर टाइम पे नहीं आ पा रहा है तो अगर पता नहीं चलता है कि आधे घंटे पहले कि आने वाला है कि नहीं आने वाला है तो ये बहुत डिफिकल्टी होती थी। तो ये जाके फार्मलाइट डेवलपर को बोला है। तो अब फार्मलाइट डेवलपर क्या कर रहे हैं, अभी क्लैन साइज इंक्रीज कर देंगे। फायदा क्या होगा, कई सारे लोग क्लैन के अंदर होंगे, अब उससे होगा क्या, जो अवेलेबल होगा उसको जो क्लैन लीडर है वो ले पाएगा टूर्नामेंट के अंदर बस। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है फार्मलाइट की तरफ से। चौथा जो है कि कंटेंट, जो गेम के अंदर जो कंटेंट है मतलब गेम प्ले का जो कंटेंट है वो तो बहुत अच्छा है, मतलब गेम खेल के बहुत मजा आता है, बहुत फन है। बट जो जैसे कंटेंट है, जैसे मिशंस हैं वो बहुत कम थे या फिर कम है, थे भी तो वो बहुत नॉमिनल से हैं, जैसे उसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है उन मिशंस में। तो वो क्या करेंगे, वो मिशंस बढ़ाएंगे, उसमें क्रिएटिविटी लाएंगे, मतलब फन होंगे जो नए मिशंस आएंगे। और जो नेक्स्ट चेंज है वो ये है कि जैसे ये कस्टम रूम्स, अब जो बंदा ये चाहता है कि हम 1v1 करें अपने फ्रेंड से करें किसी से करें या फिर हम कोई कस्टम रूम बना के खेलें, कई सारे लोग वो कर नहीं पाते थे जैसे पबजी में होते थे, वो फार्मलाइट वाले क्या कर रहे हैं इसमें कस्टम रूम्स लेके आ रहे हैं जिससे कि ये जो गेम है ये और फन हो जाएगा और ज़्यादा लोग आएंगे इसको खेलने। अब नेक्स्ट चीज जो कि चेंज होने वाली है अपडेट 14.3 में वो है बैटल पास। अब जैसे कि सबको पता है कि बैटल पास अभी जो फार्मलाइट में है वो 90 लेवल का है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल हो जाता है अपडेट करने में और जो प्लेयर्स होते हैं वो बोर फील करने लग जाते हैं। इसलिए अब क्या होगा, अब एक तो मिशंस भी जो मैंने आपको पहले बताया मिशंस भी इंक्रीज होंगे, अब बैटल पास छोटा जाएगा तो जल्दी से पूरा बैटल पास कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि ये गेम अभी तो खैर बीटा टेस्टिंग में है इसलिए इसमें अभी हैकर है, तो अब ये जो ग्लोबल लॉन्च होने वाला है 40.3 में तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें एंटी चीट लेके आ रहे हैं। एंटी चीट सिस्टम, जैसे कि जो पबजी खेलते होंगे उनको पता होगा एंटी चीट सिस्टम क्या है, वो गेम के साथ ही रन करता है, मतलब जब गेम खेल रहे हो वो गेम के साथ ही रन करता है अपने आप, गेम के अंदर ही इनबिल्ट होता है, वो चेक करता रहता है कॉन्स्टेंटली हर गेम के अंदर कोई हैकर है कोई चीटर है, मतलब वो उनकी जो फोन है उसी को फाइल को चेक करता रहता है, उस गेम प्ले की फाइल को फोल्डर को चेक करता रहता है कि कुछ चेंजेस तो नहीं है, उसे एंटी चीट बोलते हैं। ठीक है, ये एक एंटी चीट सिस्टम ये फार्मलाइट वाले लेके आने वाले और ये बहुत यूजफुल होगा टूर्नामेंट्स के लिए और ये जो गेम को है ये एक फेयर ग्राउंड बना देगा खेलने के लिए और मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। मैं यही सोच रहा था कि कब लेके आएंगे, मैंने भी इनको सजेशन दी थी इसी चीज़ की। और जहाँ तक की बात है अपडेट डेट की, तो ये जो डेट है वो है 19 अप्रैल, इसके एक दिन आगे या एक दिन पीछे अपडेट आ सकता है, 100% गारंटी है। ठीक है, और जो कैरेक्टर नर्फ होगा वो है MKR, क्योंकि जब से आया है कैरेक्टर इसकी जो अल्टीमेट एबिलिटी है वो पता क्या है, वो ये है कि जो उसका डैमेज है मिसाइल का उसकी अल्टीमेट एबिलिटी का वो स्प्लैश डैमेज है, मतलब अगर तुम कवर के पीछे हो तो तुम्हें भी तब भी डैमेज होगा और ये एबिलिटी बहुत अनफेयर है, तो ये नर्फ होगी होगी। तो चलो बस मेरे पास जितनी इन्फो थी मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप आने वाले फार्मलाइट के अपडेट 14.3 में किस चेंज को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो मिलते हैं अपनी फार्मलाइट की नेक्स्ट वीडियो में,
टिल देन बाय।